आप सुनिए, गरिमा ने भेजर क्या था, एक क्वेश्चन वो मैं बता देता हूं। गरिमा प्रेजेंट है, एब्सेंट है? सर प्रेजेंट हूं। प्रेजेंट है। देखिए ये बहुत आता है कि आपके पास, जैसे कि मान लीजिए मिरर से कंसर्न, ये आपके पास वो मिरर है। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए, ये मिरर है, इस मिरर प्लेन मिरर है, इस मिरर के आपने लेंथ बतानी है। कोई भी मान लीजिए मैन है, इस प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, इस प्लेन मिरर, ये आपके प्लेन मिरर दीवार में पेंट लगा रखा है या लटका रखा है। आप यहां से, ये आपके पास कोई है मैन, ये मैन आपके मान लीजिए 6 फीट का है या जो भी है, आपका 1.6 जो भी था, मैं जनरल कोई भी जनरल मेरे 6 फीट का है। प्लेन मिरर से ये एक्स डिस्टेंस पे खड़ा है, मान लीजिए आदमी का, आप मान लीजिए हेड मानो, ये माउथ, ये आईज मानो, यहां पे मानो आईज, तो इसका ये आईज से मान लीजिए रेडिएशन, ये प्लेन मिरर ले लो, ये आपके पास आ रही है, ओके। दूसरी इसको हेड को देखेगी, लैग, ये आई इसकी लैग, लैग की जो इमेज बनेगी वो यहां से। प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस आएगा, इट्स ओके। अब यहां से ये आपने लेना है, अब क्या कंसिडर करना है आपने, अब यहां से आप देखिए, ये आपके पास ये इमेज है, इमेज का जो हाइट है प्लेन मिरर है 6 फीट ही बनेगी, आपने इसकी लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है, ये आपके पास लेंथ ऑफ द मिरर, वी हैव टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द मिरर। अब इसमें ये आपके पास है, बात है नहीं, बात है नहीं, प्लीज पूरा चेहरा देखने के लिए, पूरा कि मिरर में नजर आ जाए, कहने का मतलब ड्रेसिंग टेबल, यदि आप ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है प्लेन मिरर होता है, आप उसमें अपने हेयरिंग करते हैं या कपड़े पहनते हैं, तो उस जो प्लेन मिरर का जो है वो साइज, जो ड्रेसिंग टेबल का साइज कितना होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, यदि 6 फीट का है, मतलब मेरी हाइट 6 फीट है, और यदि मैं आपने हेयरिंग करना चाह रहा हूं, तो मेरे घर के अंदर उस प्लेन मिरर जो वो ड्रेसिंग टेबल है उसका जो मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये गलत 6 फीट से ऊपर होनी चाहिए, सुनो सुनो, गलत 6 फीट से ऊपर होनी चाहिए। आप तो जा घर पे अब देख करना क्या कि उसकी 6 फीट है या 3 फीट है, तो मैंने 6 फीट का इसलिए एग्जांपल दिया है, तो यहां से अब बात नहीं, ये आपके पास प्लेन मिरर में एक चीज देखो, जो ऑब्जेक्ट है ये मैन है 6 फीट, तो प्लेन मिरर के अंदर जितना ये होता है, यदि 6 है
और यदि यदि एक्स मीटर का है तो इमेज भी क्या बनेगी, और यदि जितनी हाइट है लेंथ है ऑब्जेक्ट की मेरी 6 फीट है तो यहाँ कितनी नजर आएगी, 6 फीट ही आएगी, कितनी आएगी 6 फीट। आप यहाँ से अब दो सिमिलर ट्रायंगल ले लो, अब आपके पास दो सिमिलर, एक तो ये बाउंड्री ट्रायंगल, ये एक्स है पॉइंट ऑफ नोटिव, ये एक्स तो ये भी एक्स, अब ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये सिमिलर ट्रायंगल बन गई, सुनो ये आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल है, एक तो ये बन गई और दूसरी सिमिलर ट्रायंगल ये बन गई, ओके। तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल में बात नहीं, इसका बेस क्या है 6 फीट 6 बाई, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इसका बेस 6 बाई एल, इट्स ओके, एल मानिए आपकी इसकी हाइट, ये हाइट 2x, इसकी हाइट x, x x क्या हो गया, और एल आपके पास क्या होगा 6 बाई 2 3 फीट, जो मिरर होगा वो कितना होगा 6 फीट, कितने फीट का 3 फीट का, जो प्लेन मिरर है वो हाइट का कितना होना चाहिए आधा, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा है, तो उसमें शायद आपका गरिमा 1.6 मीटर हाइट थी, तो मिरर की तो लेंथ होगी वो 0.8 मीटर, क्या होगा 0.8 मीटर। कई बार और आता है, एक टाइप और है, मुझे मैं बताना चाहूंगा, और जिसने बात करनी है ना उसको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, आराम से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, देखो 6 फीट हाइट है, मिरर के सामने खड़ा है, आज आप अपने ड्रेसिंग टेबल की हाइट भी, आप इन फ्यूचर तुम्हें ड्रेसिंग टेबल खरीदनी हो नहीं, और मालिक मैरिज में देनी हो, अपनी सिस्टर की मैरिज में देनी हो, सिस्टर की हाइट 6 फीट है, वो कम से कम ड्रेसिंग टेबल खरीदने जाओ तो प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, लेंथ 3 फीट होनी चाहिए, और यदि 5 फीट की है तो 2.5 फीट होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि सिस्टर की हाइट है 6 फीट और आपने शादी में मिरर दे दिया 2 फीट का, वो तो बेचारी ऐसे करी करेगी, तो पॉइंट ऑफ नोटेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गरिमा की प्रॉब्लम थी, तो मैंने जनरल बता दिया है 6 फीट है, ये मिरर है। अब इसके बाद मिरर पे एक और आता है, वो भी सुनिए, आपके पास नोट हो गया, याद नहीं रहेगा, उसके बाद है ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, आवाज नहीं, ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर की विड्थ जो है, जो लेंथ है वो डी है, प्लेन मिरर, इसके सेंटर से, ये सेंटर से तो पॉइंट सोर्स है, लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स है, ये एल डिस्टेंस से है, बात नहीं एल डिस्टेंस से कोई लाइट सोर्स है, ये इसके पैरेलल में टू एल डिस्टेंस से, इसके पैरेलल मिरर के पैरेलल 2L डिस्टेंस से वो मैन है, वो ट्रेवल कर रहा है इसके पैरेलल, इस पॉइंट सोर्स की लीज, इस पॉइंट सोर्स या लाइट सोर्स जो भी है, इसकी इमेज को मिरर में देखने के लिए कितने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये भी बहुत अच्छा है कि आपके पास ये प्लेन मिरर है, किसी भी वायर या कैसे लटका रखा है, इसके मिड पॉइंट से एल डिस्टेंस से कोई लाइट सोर्स है,
जैसे बीच में आप यहाँ प्लेन मिरर है या ये मोबाइल है लाइट सोर्स, इस मोबाइल को या लाइट सोर्स को प्लेन मिरर में देखना है और इस मैन को ट्रेवल करने के लिए कितना यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे कि इस पॉइंट सोर्स इस लाइट सोर्स की इमेज कंप्लीटली मिरर के अंदर नजर आए, समझ गए कि वो आदमी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे इसके पैरेलल, डी करे, डी बाई टू करे, टू डी करे, थ्री डी, यहां पे लेंथ ऑफ द मिरर गिवन है, क्या गिवन है लेंथ ऑफ द मिरर, आप कैसे करेंगे? आप ध्यान से सुनिए, बातें नहीं करने का, बातें करोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई बढ़ाऊंगा, ठीक है ना? आप सुनो, यहां से पॉइंट सोर्स से तो ये इंसिडेंट है, ध्यान से सुनते रहना, ये इंसिडेंट है, ये मान लीजिए नॉर्मल, लो जी नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लेन मिरर है, ये को पॉइंट डाल दिया ए, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये एंगल भी क्या बनेगा, ये एंगल आई, ये आर और एंगल आई इज इक्वल टू आर, है भी? दूसरा, दूसरी लेयर ऑफ लाइट यहां से आएगी, यहां पे भी नॉर्मल बात नहीं, ये आई, ये क्या बनेगा बताओ, क्या बस आई तो बनेगा ये वाला, बोलो तो तुम होशियार होते हो, आप ये आई और ये आप ये ए ये माने थे, तो भैया कहने का मतलब आपने डिस्टेंस क्या निकालना है, ए बी, वेरी गुड, क्या निकालना है ए बी, अब ए बी कैसे निकालोगे बताओ शाबाश, आप यहां से सुनो सुनो सब यहां से सुनो, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस एल है, तो ये डिस्टेंस क्या है, एल बोलो है नहीं, अरे बोलो है नहीं, आप यहां से ए बी सी डी ई एफ ये नाम रख दिया आपने, शाबाश, पहले ये तो डायग्राम समझ में आया नहीं है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये चीज देखना ध्यान से, ये इसके बराबर है हालांकि नजर नहीं आ रहा, ये यदि इस एंगल के बराबर है तो ये साइड हालांकि लग नहीं रही, ये साइड आपस में क्या होगी, अरे जब ये बराबर है एंगल तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, बराबर होगी, तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल कौन सी बनी, एक तो ये बनी सिमिलर ट्रायंगल, ध्यान से सुनो, ए डी इस पॉइंट का एम रख दो नाम, ए डी एम, ए डी एम, और दूसरी बताओ भाई दूसरी कौन सी है, ई एफ एन, सिमिलर ट्रायंगल ए डी एम और ई एम, तो ए डी, ए डी अपॉन ई एफ, और यहां पे डी एम, वेरी गुड एम एम, तो ए डी किसकी इक्वलेंट है, ए डी बताओ, ए डी आपने निकाला डी एम, डी एम यहां से यहां डी एम बताओ 12 और एम एम एल और ये होगा 2, ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ई एफ बाई 2, ई एफ बाई 2, अब यहां से ई एफ बाई 2 आ गया ए डी, टू एल बाई एल
ये AT by BF, समझ गए? और हाँ AD, AD किसके बराबर हो गया? टू EF, कोई बात नहीं, ये हो गया टू EF, ये किसके आ गया? ये AT आ गया, क्या हो गया ये? ये सुनो, this side upon this side और ये आपका ये side क्या है? 12 AT by AD by EF और DN by EF, तो यानी कि आपके पास याद है और EF किसके बराबर होगा? Half of AD, EF होगा half of AD। अब आपने EF की वैल्यू बतानी है, EF की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब EF की, अब ये साइड, ये साइड आपके पास क्या है? ये साइड D by 2, ये D by 2, very good, चार ये D by 2, किसने बताइए? हिमांशु ने, ये सेंटर से है, टोटल दिया है तो ये D by 2, ये एंगल बराबर है, this angle is equal to this, तो इस पूरे ट्रायंगल में यहाँ पे, तो ये साइड हालांकि नजर नहीं आ रही, but ये आपके पास क्या बन गया? इस पॉइंट को क्या मान लो? B, ये B मान लो, तो इसका मतलब this side is equal to this, तो ये किसके बराबर होगा? ये D by 2 हो गया, क्या होगा? D by 2, तो यानी कि इसका मतलब 2E, E F किसके बराबर हो गया? D by 2, और D by 2 का मतलब क्या बन गया? ये D, तो A D D के बराबर हो गया, ये D, और ये कितना है? ये साइड बोलो, D, very good, ये भी D, ये भी D, और ये सिमिलर वही रूल लगाओगे तो ये भी क्या बनेगा? थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो इसको कम कर दो ना, लो डायग्राम बनाने में थोड़ी सी वो, तो ये भी क्या बन गया? अरे सेम सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये भी क्या बनेगा? जैसे इसमें सिमिलर ट्रायंगल वाली नहीं लगाई है तो सेम है इसमें लगाओगे, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली, बोलो लगेगा नहीं? तो ये रेडी, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? आदमी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 3D पॉइंट ऑफ नोटिंग कि यदि डी यदि आपकी लेंथ है मिरर की, तो मैंने यदि कोई लाइट सोर्स उसके बीच में रखा है किसी डिस्टेंस से, तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 3D, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 3D। इसका मतलब यदि न्यूमेरिकल्स ये आ जाए, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मिरर और वॉल के बीच में रखा है, कहां पे रखा है? बीच में तो हो गया, अरे टोटल क्वाइल है कहां पे रखा है? मिड पॉइंट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट द मिड पॉइंट बिटवीन द मिरर एंड द वॉल, मिरर एंड द वॉल या जो भी है, तो उसकी इमेज कितने मिड पॉइंट पे रहेगी, इसकी तो कहां नजर आएगी? इमेज कब नजर आएगी? जब उस वॉल ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? वो लेंथ 3D, कितना होना चाहिए? 3D। या मैंने अपने लैंग्वेज में बोला कि मैं कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको सी करने के लिए, तो कितनी लेंथ होनी चाहिए? पाथ, ये पाथ कितना होना चाहिए? 3D। यदि ये डी है तो यहाँ पे 3D होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 3D। तो मिरर पे ये दो ही प्रॉब्लम आती है, मैंने फिर से एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है मिड पॉइंट, यदि मैंने लिया है एल और टू एल, यदि इनका डिस्टेंस एल है टू एल है तो मिड पॉइंट पे यदि है तो यानी कि ये एल हो गया और इसके सेंटर से, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी, बेटा ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये बन गया सेम एज दूसरी रे ऑफ लाइट इस फेस पे आएगी इस एंड पे मिरर के, ये बन गया। आपने ए और बी निकालना है या जो भी पॉइंट है ए और बी के बीच में, आप यहाँ से ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ये नॉर्मल, फिर आपने सिमिलर ट्रायंगल क्या बनाई? ए डी एम, एक ट्रायंगल ये है दूसरी है ई एफ, सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दी और यहाँ से हमने ई एफ की वैल्यू निकाल दी, ये यानी कि ए डी जो है वो ट्वाइस ऑफ ई एफ। आप यहाँ पे हमारे पास अब ये एंगल बराबर है, किसी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ तो ये साइड हालांकि लग दे रही तुम्हें कि हमारे बनाने में दिक्कत वो गड़बड़ होगी, ये साइड और ये साइड क्या होगी? बराबर।
ये साइड क्या है, ये आपको पता है उनके मिड पॉइंट से है, तो ये आपके पास ये डी है टोटल डी, और ये डिस्टेंस क्या है डी बाई टू, ये डी बाई टू, तो ये भी क्या बन गया डी बाई टू, और ये भी डी बाई टू, तो ए डी इज टू ई है, यानी टू इंटू में डी बाई टू और टू से टू डी हो गया, ये आपके पास डी है, और यहां से यहां ये लेंथ ऑफ द मिरर है डी, और सेम जो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी इन दोनों में लगाई है सेम है नीचे वाले में लगा दो, तो इसमें क्या आएगा ये डी, ये सिमिलर तो है, डी प्लस डी प्लस डी क्या बन गया डी। दोबारा समझाऊं पक्का? तो ये जो दोनों जो न्यूमेरिकल्स है ये अच्छे से आप क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो कहते हुए सिलेबस से हट गया, वेरिएबल मेरा कंपटीशन से नहीं हटा है, और आज तो ये जनरल आप एनडीए में जैसे कि पूछा गया यही कि एक औरत है साड़ी पहनना चाहती है ड्रेसिंग टेबल के सामने, उसकी हाइट 4.5 फीट है, वो मिरर कितने का होना चाहिए, प्लेन मिरर का कितना होना चाहिए 2.75 समझ गए? अब आगे सुनो, हम आपको पढ़ा रहे थे पी आई आर फिनिश हो गया, आज तुम सभी पी आई आर लिख के दिखाओगे सारे बच्चे जो बैंक में बैठे हैं सारे के सारे पढ़ाने के बाद आप जब जाएंगे जब टी आई आर क्योंकि इस आर्टिकल को हो जाए टी आई आर उसकी कंडीशंस और उस पर सब कुछ लिखने के बाद यू हैव टू गो टू डे और आप उसके बाद सुनिए बात नहीं, हाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक आर्टिकल रह गया, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई पक्षी उड़ रहा है या एयर फ्लाइट जा रही है तो उसकी एक्चुअल हाइट कुछ होती है, एक होता है रियल डेप्थ रियल हाइट एक एपरेंट, नहीं आपने कभी देखा होगा या आप देख लेना पानी के अंदर वो जो पेंसिल है उसको डाल के देखना कैसे नजर आ रही है, कैसे आएगी टूटी हुई हंस रहा है, कभी देखिए डाल के नहीं बाहर डाल के देखना ना करता है तो वो मुड़ी हुई टूटी हुई नजर आती है, तो यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी आपके पास एक बताएगा एप्लीकेशन कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, और दूसरा आर्टिकल है रिफ्रेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, आज ये दोनों आर्टिकल आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का 0.1% कंप्लीट होगा, कितना बड़ा है हिसाब बता लो, हाँ बहुत बड़ा है, आप सुनिए एप्लीकेशंस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ, और इसमें बहुत अच्छी प्रॉब्लम आती है कि रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ वी हैव टू कोई, यानी यहां से ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ये आपके पास वो भी बीकर है, इस बीकर के अंदर इस लिक्विड कंटेनर के अंदर ये लिक्विड है, यहां पर ये बेटा ऑब्जेक्ट ओ इसके बॉटम पे लाइज कर रहा है, कहां पे लाइज कर रहा है करना है चांसेस हो, अब यहां से ये आपके पास नॉर्मल ये मान लीजिए आपके पास रियल डेप्थ
ये न्यूमेरिकल होने के बाद एक न्यूमेरिकल दूंगा आज इसी पे, और जो बच्चा करेगा उसको 1000 रुपीज का प्राइस है। ऐसा ही ध्यान सुनो जो करे, और अभी दे दूंगा। और जो ऑनलाइन बच्चा आंसर बता देगा तो उसको भी मिलेगा, सब तैयार हो किसी भी भेज दूंगा आज की प्राइस। ये आपके पास पहले सुन लो, ये रियल लाइफ है। ये देखो नोटबुक खोल ली थी मोहन, ये रियल है क्या? ये रियल है। अब यहां से ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये आपके पास इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, कौन से बनाएगी? और ये उसके बाद क्या बन गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। यहां से ये जो डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूं, ये सुनिए, ये आपके पास इमेज, क्या बनेगी? ये इमेज। तो ए आई कौन सी? एपेरेंट, एपेरेंट डेप्थ, ये एपेरेंट डेप्थ है। सारे मिलकर कर देना बढ़िया पार्टी हो जाएगी। ये आर, ये आपके पास आई है, ये वाटर निकाल कर रखा मैंने, आप समझ गए थे इसमें वाटर है, थोड़ा डायग्राम। ये एंगल क्या बना है? ये आई बोला है नहीं है? अरे आज तो देखेंगे। अब यहां से ये पॉइंट सी मान लो, ये पॉइंट सी मान लिया। यदि मैं बात करूं इन्हें एंगल ए और सी, ध्यान से सुनिए, ए और सी, इस ए और सी में हम बात कर रहे हैं एस सी, एस सी बाई ओ सी, इसके इक्वलेट होगा एस सी बाई ओ सी। आओ बच्चों साइन आई, अरे एस सी अपन आई को बोलो होगा नहीं, ओ सी क्या बनेगा? ये साइन आई, इट्स राइट। हम ये मानते हैं कि इफ पॉइंट सी, ये तो हमने अपनी मर्जी से लिया था, इफ पॉइंट सी लाइज नियरर टू पॉइंट ए, यदि ये पॉइंट इसके नजदीक यदि लाइज करता है, और ओ सी इज नियरली इक्वल टू ए, ओ सी इज नियरली इक्वल टू ए, ओ बोलो होगा नहीं होगा? यदि नियरली, यदि ये पॉइंट जितना नजदीक आएगा तो ओसी नियरली इक्वल टू क्या बनेगा? ए ओ, यानी कि एसी बाई ए ओ दैट इज इक्वल क्या बन गया? साइन आई, दैट इज इक्वल टू साइन आई। अब दूसरा कौन से एंगल होंगे? अब इसको लिख दो यहां पे एसी बाई ए ओ, ए ओ रियल डेप्थ है साइन आई। दूसरे वाले कौन से लेंगे? दूसरे वाले ट्रायंगल बताओ। अब यहां से ले रहा हूं मैं इन ट्रायंगल ए आई सी, ए आई सी, ए आई सी, तो ए आई सी में ए सी बाई आई सी साइन ऑफ आर। ये पॉइंट सी यहां मौजूद कर चुके हैं, पॉइंट सी के नजदीक ए के नजदीक है। If C lies near to A, then we can say I C near equal to A I, or S C by A I, that is what क्या बन गया? Sign up। और ये आपके पास क्या बन गया? S C by A I, ये होगा sign of R।
क्या होता है, साइन ऑफ। अब यहां से ये आपके पास डेंसर और ये आपके पास क्या है, रेयर। तो रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है, डेंसर से रेयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन म्यू टू, यहां पर क्या बना, साइन आई बाई क्या होगा, साइन ऑफ। तो साइन आई बाई साइन आर बनेगा, क्या बनेगा, अब साइन आई की वैल्यू कौन बोलो, साइन आई की वैल्यू, साइन साइन आई की वैल्यू एस सी बाई ए ओ, और साइन आर की वैल्यू क्या है, एस सी बाई ए आई। एस सी से एस सी क्या हो गया, यानी ये आ गया आपके पास ए आई बाई, और ये है म्यू वन टू। अब म्यू वन टू को क्या लिखेंगे, पंखे की जरूरत पड़ती है, ऐसे चलने के बाद